अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल वेज मंचूरियन। आइए देखते हैं ये किस तरीके से बनाया जाता है। मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले हम पकोड़े तलेंगे। ये मैंने एक गोभी ली हूँ और उसको बारीक बारीक चॉप कर दी हूँ। अभी हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच मैदे का आटा। और इसमें डालेंगे 3 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा डालने से पकोड़े अच्छे कुरकुरे बनते हैं। 2 चम्मच डालेंगे कॉर्नफ्लावर। 1/4 चम्मच डालेंगे मिर्ची पाउडर। नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से। 1 चम्मच डालेंगे विनेगर। 1 चम्मच डालेंगे सोया सॉस। 1/2 चम्मच डालेंगे काली मिर्च पाउडर। 1 चुटकी हम डालेंगे रेड फूड कलर। इन सारी चीज़ को हम अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। देखिए सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तेल देखिए मैंने गरम होने के लिए रख दी थी। तेल गरम हो चुका है। अभी हमें एकदम छोटे छोटे पकोड़े तलना है। पकोड़ों को हम एकदम क्रिस्पी होने तक के फ्राई करेंगे। पकोड़े देखिए अभी एकदम क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे तेल। अभी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 चम्मच डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक, 1 चम्मच डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। अभी हम इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। दो मिनट अदरक लहसुन भूनने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे 1 प्याज, इसको मैंने बड़ा बड़े टुकड़ों में काट दी हूँ। 1 शिमला मिर्ची भी डालेंगे, इसको भी मैंने बड़े टुकड़ों में काट दी हूँ। इसको भी हम 2 मिनट के लिए भुनेंगे। ज़्यादा हमें इसे पकाना नहीं है, सिर्फ 2 मिनट के लिए भुनना है। 2-3 मिनट भुनने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ग्रीन सॉस, 1 चम्मच डालेंगे सोया सॉस, 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच डालेंगे सेजवान चटनी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और 1 चम्मच डालेंगे टोमेटो सॉस। और इन सारी चीज़ को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से। 1 वाटी में हम लेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। इसका हमें एक घोल तैयार करना है। देखिए इस तरीके का हमें घोल चाहिए। अभी हम इसमें कॉर्नफ्लावर का घोल डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ग्रेवी अभी गाढ़ी हो चुकी है। अभी हम इसके अंदर पकोड़े डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। माशाल्लाह देखिए रेस्टोरेंट स्टाइल वेज मंचूरियन बनकर तैयार हो चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना वेज मंचूरियन कैसे बने। अल्लाह हाफिज़।